press the bell icon for all the updates. डर लग रहा था कि आपके रूम में कौन है और आप ऑलमोस्ट जान लेने के लिए पहुंच गए। सबसे पहले सबको सूरज को बर्थडे विश करना चाहिए क्योंकि आज 2 सालों में पहली बार सूरज का बर्थडे है। सूरज, थैंक यू सूरज की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने कुछ यहाँ पे प्लानिंग करके रखी हुई थी जो कि सूरज को नहीं पता था, तो वो यहाँ पे आया, कुछ आवाज़ें हो रही थी, खंजर भी निकाल लिया था, बट ये निकली। ये कितनी बार मेरी हाथों से बचेगी? सो सूरज बीइंग सूरज, वो 3 दिन पहले से कह रहा है मिलना, ये लाना वो लाना, मूंग दाल का हलवा लाना, ये सब। तो मैंने ऐसे ही बोला था कि नहीं आऊँगी। उसे लगा था कि नहीं आएगी क्योंकि रैली भी थी, तो जब यहाँ पर देखी तो काफ़ी वो सरप्राइज हो गया। और आप देखेंगे टेलीकास्ट में मैं कितना सरप्राइज हुआ हूँ जिस तरह से मुझसे करवाया गया। काफ़ी रोमांटिक तरीके से जो मूंग दाल का हलवा है, वो पहली बार आई थिंक कोई हार्ट शेप में एक केक की तरह देखेगा। जी, ये इनोवेटिव है बहुत। सभी गृहिणियों के लिए है जो घर में यू नो पैसे बचा के पति को खुश करना चाह रही हैं कि हलवे की भी केक को शेप में आप सजा के कैंडल्स लगा के। बहुत खूबसूरती से इसने खर्चा बचाया। जैसे बर्थडे पे केक काटना ही होता है और मैंने फरमाइश की हुई थी मूंग दाल के हलवे की, तो उसने मूंग दाल के हलवे का केक बना दिया, तो केक के पैसे बचा लिए इसने। और काफी रोमांस भी बिल्डअप होता हुआ नजर आया सब का। हाँ, काफी बिल्डअप था। हमने काटा, फिर हमने खिलाया, फिर खाया, फिर हम खो गए, फिर वगैरह हम सो गए। सो नहीं गए, फिर रणविजय की आवाज आ गई। इससे पहले राइमिंग बता दी, खो गए का राइमिंग सो। सोने से पहले रणविजय आ गया। हाँ, रणविजय आ गया। तो ये कहते थे कि सूरज का बर्थडे था, लेकिन चकोर को एक बर्थडे गिफ्ट मिल गया है। कपड़े, कपड़ों के साथ साथ सूरज भी। अच्छा, हो गया अभी इसको एक हफ्ता हो चुका है और लोगों को वो चीज बहुत पसंद भी आई है और दे आर हैप्पी विद दैट, वी आर हैप्पी विद दैट। Let's be happy, everybody. Yes. थोड़ा अलग अवतार में आज नजर आ रही है, थोड़ा सा लुक के बारे में। मैंने पहना है एक लहंगा, उसके ऊपर एक इंडो वेस्टर्न केप एंड ब्लाउज, एंड ये इसलिए क्योंकि अलग लगना था देन माय रेगुलर लुक। सो और सूरज को खुश करना था कि सूरज देख मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ। सूरज को कपड़े नहीं दिए मैंने क्योंकि वह ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं कपड़ों के बारे में बात ही नहीं करता हूं। मैंने कपड़ों के बारे में बात करनी नहीं, जो पैसे मैं बचा रही हूं उनसे मैं कपड़े खरीदूंगी। ओह, थैंक यू सो मच। ये इससे भी कुछ रक्षा नहीं होगी आपकी? अब इसने एक्चुअली शायद यही फील कराने के लिए कि तुमने भी कुछ काफी ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट कपड़े पहने कि तुम अकेले नहीं हो। हां, हम साथ साथ। थैंक यू।